ब्रिटेन के 5 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने सबसे भारी वाणिज्यिक मिशन की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से भारत के PSLV C-28 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया जाएगा। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद मनाए गए डिजिटल सप्ताह के बारे में नई दिल्ली के संचार भवन में देंगे जानकारी। केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ई कॉमर्स की खरीदारी के मुद्दे पर सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों के साथ करेंगे बैठक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आज से भविष्य निधि अदालत का नाम बदलकर निधि आपके निकट हो जाएगा। इससे भविष्य निधि के मामले व शिकायतों का तत्काल निराकरण होगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय करेंगे इसकी शुरुआत। बिहार विधानसभा परिषद की 24 सीटों के लिए मतगणना। 24 सीटों के लिए 7 जुलाई को डाले गए थे वोट। भारत जिम्बाब्वे के बीच पहला एक दिवसीय मुकाबला आज। भारत जिम्बाब्वे दौरा पर 3 एक दिवसीय और 2 T20 मुकाबला खेलेगा।